हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस डीआईवाई में मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप अपने ओल्ड जीन्स के हेल्प से एक ब्यूटीफुल सा जैकेट क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ना भूलिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ जीन्स लिया है और जीन्स का जो पीछे का पॉकेट है उसे हम रिमूव कर लेंगे ताकि हमारे जैकेट पर कोई भी पॉकेट का पार्ट्स ना आए। अब हम यहाँ अपनी हाइट मेजर करेंगे जैकेट की। बॉटम से मैं यहाँ हाइट मेजर कर रही हूँ, तो यहाँ मुझे 30 इंच चाहिए, तो यहाँ मैं 31 इंच ले रही हूँ ताकि एक इंच मेरा हेमिंग में जाएगा। दोनों ही साइड से मैं 31 इंच मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी और इसे सिंपली सीजर की मदद से इसे कट कर लूंगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है और जो टॉप का पार्ट है उसे हम बेल्ट क्रिएट करेंगे। जो टॉप का पार्ट है उसे हम कॉलर क्रिएट करेंगे बेल्ट के पोर्शन से, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम बॉटम का यूज़ करेंगे और जो साइड का क्रॉस एरिया है उसे हम सिंपली सीजर की मदद से ऑल ओवर कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है, अब हम इसे वन अबव द अदर प्लेस करूँगी। प्लेस करने के बाद जो पैंट का टॉप का पार्ट रहेगा वो मेरे जैकेट का बॉटम का पार्ट बनेगा और जो पैंट का बॉटम का पार्ट रहेगा जैकेट का मेरे टॉप का पार्ट बनेगा। और अटैचेबल पार्ट भी मैं इसे कट कर लूँगी सीजर की मदद से। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है दोनों ही साइड से और ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है। मैं इसलिए मार्क कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। सबसे पहले हम इसे फोल्ड करते हुए हम आर्महोल का मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर 6 इंच रहेगा, 6 इंच पे मैं मार्क करके अपने आर्महोल भी 6 इंच रहेगा और दोनों ही पॉइंट को मार्क करके एक कर्व लाइन में ड्रॉ कर लूंगी और इसे सीजर की मदद से इसे कट कर लूंगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मेरा दोनों ही फ्रंट और बैक का नेक साइज डिफरेंट रहेगा, इससे सबसे पहले मैं फ्रंट साइज ले रही हूँ। फ्रंट का नेक साइज मेरा रहेगा लेंथ वाइज 4 इंच और ब्रेथ वाइज 3 इंच। दोनों ही पॉइंट को मार्क करके कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए मैं कट कर लूंगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है और बैक का पोर्शन का नेक साइज रहेगा लेंथ वाइज 1.5 इंच और ब्रेथ वाइज 3 इंच। दोनों ही पॉइंट को मार्क करते हुए मैंने कट कर लूंगी। अब फ्रंट पार्ट में कट करूंगी, मिडल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ और फ्रंट पार्ट पे ही मैं एक लाइनिंग अटैच करूंगी। यहाँ मैं ब्लैक कलर की लाइनिंग अटैच कर रही हूँ, आप वाइट रेड भी अटैच कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो मैं ऑल ओवर इसे स्टिच कर लूंगी मार्क करके। एक साइड में ओपन रखूंगी ताकि मुझे फ्लिप करना होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अटैच कर लिया ऑल ओवर और एक साइड से मैंने ओपन किया है। अब यहां से मैं इसे फ्लिप करूंगी। तो ऐसे ही मैंने अपने जैकेट का टॉप फ्रंट पार्ट दोनों ही रेडी कर लिया है। ये मेरा बैक पार्ट है। बैक पार्ट का मैंने नेक और आर्महोल दोनों ही हेम कर लिया। हेम करते हुए मैं फ्रंट पार्ट दोनों ही जो तैयार किया था उसे उस पर प्लेस करते हुए अपना शोल्डर अटैच कर दूंगी। तो यहाँ मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम अपना कॉलर क्रिएट करेंगे। तो कॉलर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं 2 इंच दोनों ही साइड से मैंने मार्क कर लिया है क्योंकि मुझे वहीं तक कॉलर क्रिएट करना है। और बाकी का मेजरमेंट लेते हुए मैं बेल्ट पोर्शन से इसे कट करूँगी। मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए कट करूंगी ताकि मुझे अटैच करने में थोड़ा आसानी होगी। तो यहाँ मैंने अटैच कर लिया है स्विंग मशीन की हेल्प से। अब मैं जो फ्रंट साइड है जितना मुझे ओपन रखना है, तो मुझे यहाँ 8 इंच ओपन रखना है, तो 8 इंच पे मार्क कर लूंगी दोनों ही साइड से। और वहीं मैं एक स्ट्रैप अटैच करूंगी। तो यहाँ मैंने 2 स्ट्रैप रेडी किया है। यहाँ मैं 30 इंच का 2 स्ट्रैप रेडी किया है, इसे मैं अपने जैकेट पे अटैच करूंगी।
एक मैं इस साइड अटैच करूंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं जहां मैंने मार्क किया है वही मैं एक अटैच करूंगी स्विंग मशीन की हेल्प से। इस तरह मैं स्टिचिंग दे दूंगी और एक साइड में साइड में अटैच करूंगी, ठीक 8 इंच पे ही अटैच करूंगी जहां मैं मार्किंग किया है। तो यहां मैंने अटैच कर लिया है, आप इसे टाई अप कर सकते हैं अपनी फिटिंग के हिसाब से और ये काफी स्मार्ट लुक आपको देगा। तो यहाँ मेरी जैकेट रेडी हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ स्ट्रैप अटैच कर लिया है। और साइड फिटिंग करते हुए अपनी दूसरा भी स्ट्रैप मैंने साइड से अंदर ही अटैच कर लिया है। नेक का भी कितना अच्छा लुक आया है आप देख रहे हैं, और जो बॉटम है उसे भी हमने हेम कर लिया है। तो यहाँ मेरी जैकेट रेडी हो चुकी है। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट डाउन प्लीज करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।